नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो आप देख रहे हैं। बात करेंगे फ्लिपकार्ट एंड अमेजन के डील्स के बारे में। जी, काफी सारा डील लाइव हो गया, बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट भी है जो आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से। सबसे पहला जो डील के बारे में बात करेंगे वो फाइनली लाइव हो गया, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, जिसका प्राइस है 31,999 रुपीज। जी हाँ, ये 50,000 में बिक रहा था, अब ये 32,000 में मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी डिवाइस एक्सचेंज करते हैं उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसा कोई स्मार्टफोन है जो एक्सचेंज करने से आपको मिल सकता था 1,000 रुपये, तो वहीं पर आपको मिलेगा 4,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जी हाँ, आई हैव ट्राइड विद कपल ऑफ डिवाइसेस, तो वहां पर तो मुझे मिला, जिसका प्राइस है 34,999 रुपीज। यहाँ पर जैसे मैंने टेक्नो का एक पुराना टेक्नो कैमोन का फोन मैंने यहाँ पर चेकआउट किया था, पहले ये 3,000 रुपये ऐसा कुछ दिखा रहा था, अभी 6,600 रुपये दिखा रहा है एक्सचेंज वैल्यू, मतलब काफी ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू दिखा रहा है। इतना दिन मतलब इस फोन का तो इतना एक्सचेंज वैल्यू है नहीं। जो भी है, यहाँ पर एडिशनल ऑफर है आपका एक्सिस बैंक का, तो मैं जल्दी से आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ एक्जैक्टली विदाउट एक्सचेंज अगर आप कार्ड के साथ लेते हैं कितना पैसा आपको मिलेगा। सबसे पहले दिखाते हैं एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक, तो वहां पर आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 1,500 रुपये और 1,677 रुपये जो भी है टोटल डिस्काउंट मिला के इसका प्राइस हो जाएगा 33,528 रुपीज। लेकिन अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तब यहाँ पर आपको फ्लैट 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो जो प्राइस उन्होंने बताया था कि 31,990 रुपीज, उसके बाद आपका कुछ पैकिंग चार्जेस लगता है, उसको मिलेगा 32,028 रुपीज हो जाएगा। मतलब ICICI बैंक के कार्ड के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक का कार्ड लेते हैं उसमें आपको थोड़ा सा कम डिस्काउंट मिलता है, मतलब 1,500 रुपये आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन ICICI बैंक में आपको 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जब एक्सचेंज के बारे में बात हो रहा था तो मैं सोचा आप लोगों को और कुछ कुछ डिवाइसेस के एक्सचेंज वैल्यू दिखा दूं। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर ऐसा कोई डिवाइस, फॉर एन एग्जांपल ज़ोलो, बहुत दिन पहले बंद हो गया ये वाला फोन ज़ोलो, मे बी एरा 4X, मैं नेक्स्ट करता हूं, 4,300 रुपये का एक्सचेंज वैल्यू। और मुझे पता भी नहीं ये फोन कब लॉन्च हुआ था, कब ये खत्म हो गया, उसमें भी आपको 4,300 रुपये का एक्सचेंज वैल्यू। मतलब अगर आपके पास कोई भी पुराना एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो थोड़ा बहुत चल रहा है, ऐसा भी फिजिकल डैमेज नहीं है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये वाला फोन अगर आप लेते हो एक्सचेंज वैल्यू के साथ लो, पुराना फोन का आपको अच्छा खासा एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड किलर डील, यू कैन चेक दिस आउट। बहुत सारा स्पेकुलेशन था कि कितना प्राइस होगा, तो फाइनल यहाँ पर प्राइस आपको दिखाई दे रहा है कि आईफोन 12 का प्राइस होने वाला है 42,999 रुपीज। लेकिन उसके बाद आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ये वाला डिवाइस आ जाएगा अराउंड 40,000 रुपीज के आसपास। तो ये वाला प्राइस हम लोगों को पता था, फाइनली अमेजन ने ये वाला फोटो पोस्ट किया उनके सोशल मीडिया पे, जहां पर हम लोग को ये प्राइस पता चला है। जी हाँ, ये वाला डील का भी हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में कितना डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट ईयर की लगभग 29,990 रुपीज में सेल हुआ था, अभी अगर देखा जाए ये 26,999 रुपीज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा और डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, तो बेसिकली इसका प्राइस है 29,999 रुपीज। लेकिन अगर आप SBI बैंक का कार्ड डिस्काउंट लगाते तो ये आपको मिल जाएगा और 3,000 रुपये डिस्काउंट पे, मतलब आपको फ्लैट 3,000 रुपये डिस्काउंट लगा के ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा 26,999 रुपीज, मतलब 27,000 रुपीज में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसका प्राइस थोड़ा सा और कम होगा, लेकिन फिर भी 27,000 रुपीज में ये काफी किलर डील है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा देखिए, आप S21 FE 5G लेंगे, वो भी बहुत बढ़िया डिवाइस है, इससे डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा अपडेट देखने को मिलता है वो वाला डिवाइस में। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है, जनरली S21 FE 5G 8th Gen 1 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में जैसे आपको पता है कि 2100 सीरीज का प्रोसेसर उसमें मिलता है, बट वो भी काफी अच्छा है जो S21 सीरीज में आपको देखने को मिला था। तो चलिए अभी बात करते हैं 25 प्लस बजट कैटेगरी डील्स के बारे में जो आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड कुछ कुछ अमेजन से भी। यार, एडिडास के शू के ऊपर काफी अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 999 रुपीज से लेकर 1,200 रुपए के अंदर आपको बहुत सारा शू का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि ब्रांडेड शू खरीदेंगे 1,000-1,200 रुपए के अंदर, तो आप चेकआउट कर सकते हैं एडिडास शू के ऊपर, अभी आवर्डली वाइज ऑफर आ रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे लैपटॉप के बारे में, बजट में कौन सा लैपटॉप आपके लिए अच्छा होगा। मैंने 2-4 लैपटॉप यहाँ पर ऐड किया है इस वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको i3 10th Generation लेना है बजट में, विद ए वेरी गुड डिस्प्ले, विद वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, फील्स लाइक ए एप्पल पतला एकदम, तो ये वाला आप चेकआउट कर सकते हैं। ये है आपका इन्फिनिक्स X1 Slim, इसका प्राइस रखा गया 26,990, लेकिन ऑफर में ये आपको मिल जाएगा अराउंड 24,500 रुपीज के आसपास। इट्स अ वेरी गुड डिवाइस, मैंने
खुद से पर्सनली चेक किया, काफी अच्छा आप चेकआउट कर सकते हैं। ये i3 10th जनरेशन के साथ आता है, और अगर आपको i3 11th जनरेशन लेना है तो Realme Book आप चेकआउट कर सकते हैं। इट कम्स विद 8GB रैम एंड 256GB SSD विंडोज 10 होम के साथ आता है, एंड ये भी काफी लाइट वेट है, काफी स्टाइलिश है, कम्स विद अ वेरी गुड डिस्प्ले। इसका जनरल प्राइस है 31,000 रुपीज के आसपास, लेकिन ऑफर डिस्काउंट मिला कि आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑफर एंड डिस्काउंट मिलता है, वो मिला कि आपको मिल जाएगा अराउंड 28,000 रुपीज के आसपास। नेक्स्ट इज दिस फ्रॉम द ब्रांड नोकिया। जी हाँ, अगर आपको सस्ते में i5 प्रोसेसर लेना है, एंड यहाँ पर आपको i5 11th जनरेशन मिलता है विथ 16GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD, विच इज रियली गुड। विंडोज 11 होम यहाँ पर दिया गया है, एंड ये काफी थिन एंड स्टाइलिश लैपटॉप है। इसका प्राइस रखा गया अप्रॉक्सिमेटली 35,990 रुपीज, लेकिन ऑफर एंड डिस्काउंट मिला कि आपको मिल जाएगा अराउंड 33,000 रुपीज के आसपास। तो ये अगर देखा जाए i5 11th जनरेशन के हिसाब से 32-33,000 काफी एक सही प्राइस है, एंड यहाँ पर आपको 16GB तक का रैम मिलता है, विच इज ऑल्सो गुड, जहां पर दूसरे सेम रेंज के डिवाइसेस में आपको 8GB का रैम मिलता है। और अगर आपको एकदम बजट में लैपटॉप चाहिए, ये वाला लैपटॉप आप चेकआउट कर सकते हो, जो कुछ दिन पहले मैंने इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था, बहुत अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप है। हालांकि इसका प्रोसेसर सेलेरियन क्वाड कोर प्रोसेसर है, डोंट गो विद द प्राइस, एक्चुअली इसका सेल प्राइस काफी कम होने वाला है, इट विल कम अंडर 19,000 रुपीज, 19,000-20,000 रुपए में ये वाला आपको मिल जाएगा, विच मेक दिस ए वेरी गुड डिवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, जो लोग ऑफिशियल काम करना पसंद करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हल्का फुल्का एडिटिंग, मतलब बहुत लाइट एडिटिंग मैंने फिल्मोरा में एडिटिंग किया, आप कर सकते हो, बट दिस इज नॉट फॉर प्रॉपर एडिटिंग। अगर आप एक सोशल मीडिया करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड लैपटॉप, काफी स्टाइलिश है, बैटरी काफी बढ़िया है, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, सो यू कैन यूज इट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप। अंडर 20,000 रुपीज में ये आपको मिल जाएगा डील में, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। बात करते हैं साउंड बार के बारे में, मीवी का ये वाला बजट साउंड बार आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 100W का साउंड बार है, लुक एट द रेटिंग, 4.5 प्लस का रेटिंग है, नियर अबाउट 4,600 से ज्यादा लोगों ने इसको रेट किया है, एंड इसका प्राइस रखा गया 3,299 रुपीज। मैं फिर से बता दूं, जब भी आप कोई भी कार्ड डिस्काउंट ऐड करना चाहते हैं, तब आपका मिनिमम कार्ड वैल्यू 5,000 रुपए होना चाहिए, तो यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपका टोटल कार्ड वैल्यू, टोटल अगर आपका शॉपिंग ट्रांजैक्शन अगर 5,000 रुपए से ऊपर होता है, उसके बाद अगर आप जो भी कार्ड एलिजिबल है डिस्काउंट लिए वो अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी आपको और 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब यही वाला आपका अंडर 3,000 रुपीज आ जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा, 5,000 रुपए से अगर कार्ड वैल्यू होता है, तब आपको सभी कार्ड का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। सेम चीज अप्लाई होता है ये डील के ऊपर भी, क्योंकि ये भी अंडर 5,000 रुपीज का आपका डील है, तो यहां पर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा जब तक आप 5,000 रुपए से ऊपर शॉपिंग ना करते हैं। यहां पर आपको 100W का मिलता है साउंड बार, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड साउंड बार, रेटिंग काफी बढ़िया है, इनिशियली लॉन्च हुआ, इसका प्राइस काफी अट्रैक्टिव रखा गया 2,999 रुपीज, और अगर आप डिस्काउंट लगाते और 300-400 रुपए आपको इसमें कम मिल जाएगा। तो 100W का आपको साउंड आउटपुट मिलता है, मोटरोला है, एंड यहां पर HDMI ARC पोर्ट भी सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप हाई डेफिनेशन म्यूजिक ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कुछ बजट, मतलब जो लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, एकदम बजट में एक टीवी चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ कुछ डील्स मैंने लाया हूं। तो ये है आपका एक स्मार्ट टीवी, जो आपका एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट टीवी है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, एंड 1GB का रैम, 8GB का रोम मिलता है, एंड्रॉयड 9 है, उसके साथ साथ पावरफुल ऑडियो बॉक्स भी यहाँ पर दिया गया, 24 इंच का ये वाला टीवी है, मतलब जो लोग बड़ा टीवी नहीं चाहते, तो यहाँ पर आपको 6,629 रुपीज इसका प्राइस है, लेकिन ऑफर में आपको लगभग 6,297 रुपए में मिल जाएगा। सो ये लगभग अंडर 6,500 रुपए के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि जनरली क्या होता है 24 इंच में आपको स्मार्ट टीवी देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट टीवी देखने को मिला है, विच इज रियली गुड, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं और एक बजट कैटेगरी स्मार्ट टीवी के बारे में, विच इज फ्रॉम द ब्लाउपंक, ये आपका एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है, ये 32 इंच का स्मार्ट टीवी है, एंड यहाँ पर आपको 40W का स्पीकर देखने को मिलता है, विच इज रियली गुड। इसका जनरल प्राइस है 9,500 रुपए के आसपास, लेकिन यहाँ पर भी आपको लगभग 900-950 रुपए के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये 5,49 रुपए में आपको ये वाला डिवाइस मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड डिवाइस, रेटिंग काफी बढ़िया है, 4.5 प्लस का रेटिंग है, नियर अबाउट 7,900 से ज्यादा लोगों ने इसको रेट किया है। कैटेगरी में और एक टीवी है जो आप चेकआउट कर सकते हो, विच इज दिस, ये कोडेक का 7X प्रो है, ये 32 इंच का स्मार्ट टीवी है, दिस इज ऑल्सो एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी, जी हाँ लिनक्स बेस्ड नहीं, एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है। इसका प्राइस रखा गया 8,999 रुपए, ऑफर में आपको मिल जाएगा 8,999 रुपए में, तो ये काफी एक तगड़ा डील है, क्योंकि यहाँ पर लिनक्स बेस्ड नहीं, जो इन्फिनिक्स वाला था वो लिनक्स बेस्ड था, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग बेस्ड, उसका मतलब ये यहाँ पर आपको सभी टाइप का एप्लीकेशन देखने को मिलता है जो लिनक्स बेस्ड में नहीं मिलता है। तो 8,999 रुपए के हिसाब से मैं बोलूंगा ये काफी एक अच्छा डील है, 32 इंच का टीवी है, लुक एट द रेटिंग,
4.5 प्लस का रेटिंग है, नियर अबाउट 33,000 से ज्यादा लोगों ने इसको रेट किया। अभी बात करते हैं बजट स्मार्टफोन के बारे में। टीवी के साथ साथ स्मार्टफोन भी बहुत किसी लोगों के लिए पहला होता है, तो अगर आप ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो इन्फिनिक्स स्मार्ट HD प्लस आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर इसका जो प्राइस रखा गया 6,199 रुपीज, लेकिन ऑफर में आपको मिल जाएगा 5,399 रुपीज। हाँ, इंस्टेंट भी आपको लगभग 800 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो 5,500 रुपए के नीचे मैं बोलूंगा ये काफी एक तगड़ा डील है। एंड इन्फिनिक्स स्मार्टफोन कम्स विद अ वेरी लार्ज बैटरी, लार्ज डिस्प्ले एंड ओवरऑल स्टार्टिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी अच्छा होता है। तो अंडर 5,500 रुपीज डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट। अगर आप बजट में एक अच्छा वायरलेस माउस चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का ये वाला वायरलेस माउस आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरली ये थोड़ा महंगा बिकता है, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा अराउंड 499 रुपीज में। सो गाइज, ये था कुछ बेस्ट बजट डील्स एंड लेटेस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट Amazon एंड फ्लिपकार्ट सेल। हालांकि अगर देखा जाए Amazon में उतना ज्यादा सेल अभी तक नहीं आया है, ज्यादा से ज्यादा सेल आपको फ्लिपकार्ट में मिल रहा है। मैं इसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर करके वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में आपको सभी वीडियो लिंक मिल जाएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। प्री ऑर्डर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है Amazon पे, जो आई थिंक 20 तारीख तक आई थिंक चलेगा। 21 एंड 22 को पेमेंट कर सकते हैं, 23 तारीख से प्रॉपरली सेल स्टार्ट होता है। एंड अगर फ्लिपकार्ट का देखा जाए तो कल एंड परसों मतलब 20 एंड 21 तारीख को आपको प्री बुक का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड 22 तारीख को आप पेमेंट करके वो सभी प्रोडक्ट ले सकते हैं। एंड 22 तारीख से जो लोग फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर है उन लोगों के लिए सेल स्टार्ट हो जा रहा है। सेम थिंग गोज टू द Amazon, Amazon का जो लोग प्लस मेंबर है उनका भी सेल स्टार्ट हो जाएगा 22 तारीख से। एंड सबके लिए सेल स्टार्ट होगा आपका 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। Amazon का भी आई थिंक मुझे लगता है 30 तारीख तक चलेगा, क्योंकि उन्होंने एंड डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो गाइस, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड डेड ऑफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट रमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेड ऑफ, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।